गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट सेकंड चैप्टर ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ओलंपिक से आप उससे इंट्रोड्यूस होंगे, आप नॉर्मल ओलंपिक जो ओलंपिक जो गेम्स हैं उसमें हमारी जो स्टार्टिंग है एसेंट ओलंपिक से, एसेंट ओलंपिक गेम्स से, जो एक तरह से नॉर्मली वर्ड्स हमारे थाउजेंड्स ईयर्स से काफी टाइम पुराने ओलंपिक जो स्टार्ट हुए थे, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, स्टार्ट हुए थे और किस तरह से स्टार्ट हुए थे मैं इससे पता था। एसेंट ओलंपिक्स, एसेंट ओलंपिक्स जिसको हम ओल्ड ओलंपिक के नाम से भी हम इसको जानते हैं नॉर्मली इस चीज के लिए। द ओलंपिक्स बिगेन इन द एसेंट ग्रीस थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। जो नॉर्मली ओलंपिक जो स्टार्ट हुई थी वो हजार साल पहले हुई थी, इसके लिए थाउजेंड ईयर्स के अंदर। द फर्स्ट रिकॉर्डेड जो नॉर्मली एक जो फर्स्ट जो रिकॉर्डेड ओलंपिक है वो द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक वेल्ड इन द 776 BCE। द ओनली इवेंट वॉज द सिंगल स्टेडियम फुट रेस वॉन बाई ए कुक नेम, उसका नाम था नॉर्मली प्रोवेवस, प्रो एवस जो था जो फर्स्ट कटिंग जो रिकॉर्डिंग जो नॉर्मली रिकॉर्ड के अंदर जो ओलंपिक वर्ल्ड ओलंपिक में जो रिकॉर्डेड है वो एक जो फर्स्ट जो रेस उसने जो विनर था वो एक था, उसका नाम था प्रोवेक्स, प्रोवेक्स जिसने फर्स्ट स्टार्टिंग की जो रेस को कंप्लीट विनर रहा था इसके लिए। उसके अंदर नॉर्मली जो थे कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइव इवेंट्स जंपिंग, उसमें फाइव इवेंट्स थे नॉर्मली जिसके लिए फाइव जो इवेंट्स थे कॉन्सेप्टिंग ऑफ द फाइव इवेंट्स, उस स्टार्टिंग में फाइव इवेंट्स को पार्टिसिपेट किया गया था जिसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ द जंपिंग जर्निंग स्प्रिंट डिस्कस एंड रेस्टिंग, इन फाइव जो इवेंट्स को पार्टिसिपेट किया गया था इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे उस टाइम से जो रूल्स थे, रूल्स ऑफ द एसेंट ओलंपिक, जो रूल्स थे उस टाइम के ओलंपिक के कौन कौन से थे। ओनली फेयरमैन ऑफ ग्रीस मेल्स कुड बी पार्टिसिपेट इन द गेम्स, केवल उस टाइम के जो जिनका जो नॉर्मली जो बर्थ था उनका जो उनका जन्म सिंपली ग्रीस में हुआ वही लोग इस गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके लिए सेल्फ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब बैंड, वहाँ के जो लोग थे जो दास प्रथा थी, दास जो होते थे वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इस गेम्स के अंदर नॉर्मली। इसके लिए द नेक्स्ट जो थर्ड है वुमेन्स वेर नॉट इवन अलाउड टू एंटर द स्टेडियम वन दे वेर मैरिड, वहाँ की जो वुमेन्स जो महिलाएं थी वो विदाउट मैरिट के जब तक उनकी शादी नहीं हो जाए उस स्टेडियम में एंट्री नहीं कर सकती थी उस रेगुलेशन अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है उसके बाद कॉम्पिटिशन हैड बी स्टार्ट इन द ओलंपिक फॉर वन मंथ। अगर जब ओलंपिक जब स्टार्ट होते थे नॉर्मली चीज के लिए तो वहां की जो स्टार्ट प्लेइंग जो गेम वन मंथ से जो ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करने वाले थे वन मंथ पहले उस चीज के लिए लेना पड़ता था। फोर पर्सन्स वेर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, वहां पर उन लोगों को अलाउड नहीं था जो नॉर्मली इनको प्रोफेशनल थे, जो प्रोफेशनल ओनली जो गेम्स से रिलेटेड है उनको उस चीज के लिए नॉर्मली अलाउ नहीं किया जा सकता था। इसके लिए उस समय नॉर्मली द सेरेमनी उस टाइम की जो वर्ल्ड ओलंपिक की जो सेरेमनी उद्घाटन जो होता था उस चीज के लिए तो नॉर्मली उद्घाटन के लिए हमें पहले द सेरेमनी जो उद्घाटन समारोह होता था
the get off began with the opening ceremony in the auditorium where the petition is and the taking the of the play of as the mark into the thing and the well include to the audience. जो नॉर्मली खेलों की शुरुआत जब स्टार्टिंग होती थी जो वहाँ का प्रोग्राम सब स्टार्ट होता था अगर ना वहाँ सारे जितने भी कंपटीटर होते थे वो एक जगह पर इकट्ठे होते थे और वहाँ पर एक ऑथ दी जाती थी चीज़ के लिए फिर उस ऑथ को जो उनका जब उनको ऑडियंस से उनका इंट्रोड्यूस करवाया जाता था चीज़ के लिए ऑडियंस फाइनली ऑफ द कोर्स वुड बी द एट द अदर ऑफ द जूस टू स्टार्ट इन द गेम्स जो वहाँ के अंत में जो लास्ट के अंदर जो होता था वहाँ के जो गोर थे उनके जिसके नाम से ये ओलंपिक स्टार्ट हुआ था जूस के नाम से उनके वहाँ पर एक नॉर्मल एक टॉर्च वो जैसे मसाल को जलाकर उस चीज को वो जूस गेम्स की नॉर्मल जो ओलंपिक जो गेम्स है उनको स्टार्ट किया जाता था ताकि उसकी एक पारंपरिक जो उनकी जो स्टार्टिंग है उसकी ओपनिंग सेरेमनी की घोषणा की जाती थी इसके लिए नेक्स्ट है अवार्ड द टाइम्स ऑफ इसके अवार्ड्स द ओल्ड ओलंपिक्स अवार्ड्स नौ मेडल्स उस टाइम पे नौ मेडल्स वेर अवार्ड इन द एसेंट ओलंपिक गेम्स द विनर वेर इन द इनसाइड ऑनर्स बाय द जगिंग जजेस जो बाद उस समय जो विनर्स होते थे उस समय कोई मेडल दिए नहीं जाते थे उस चीज के लिए नॉर्मली सिंपल जो विनर होते थे इनसाइड ओनर्स और जो जजेस होते थे उनको जो ब्रिथ मेडल्स फ्रॉम द लिविस ऑफ द स्केट ऑफ ऑयली ट्रीज इन द टेम्पल ऑफ जूस उनको एक जो नॉर्मली उस समय अभी भी आपने जब मॉडर्न ओलंपिक देखे तो एक तरह से जब विनर्स जब मेडल पहनाया जाता उस समय तो एक ऑयली जो पत्ते की जो बेल्ट होती थी उसको सिर पे नॉर्मली हेड पे उसको पहनाया जाता ताकि उसका एक नॉर्मली उस चीज को उसको बताया जाता उस चीज के लिए नॉर्मल जो टेम्पल जो राजा जो टेम्पल था जो राजा थे जो उनके मंदिर में पवित्र उसको नॉर्मली हम वर्ड्स में बोल सकते हैं जो पत्ते को जैतून की पत्तियां उसको हम कह सकते हैं जैतून की पत्तियों वाला ताज पहनाया जाता था उस समय के अंदर इस चीज के लिए और फूलों की माला पहनाई जाती थी दे वेल आल्सो वेलकम का स्वागत किया जाता था फ्रॉम स्पेशल एंटी बिल्डिंग इन द वेयर ओनर्स नॉट फ्रॉम द सिटी अगेंस्ट उनके जो मेन फूलों के द्वारा उनका वेलकम और जो वहाँ के जो जजेस जो रेफरी और जो होते थे उनका सम्मान किया जाता था उनको वेलकम करने के लिए विशेष जो स्पेशल गेट्स बनाए जाते थे ताकि उनके लिए वेलकम किया जा सकता था इस तरह से ओल्ड जो ओलंपिक थे उनकी इस तरह से प्रॉपर रखा जाता था इसके लिए तो नेक्स्ट उसके बाद अवार्ड फंक्शन के बाद वहाँ की जो उसके बाद कुछ टाइमिंग जो नेक्स्ट स्टार्ट हुए हमारे मॉडर्न ओलंपिक जिसको हम बोल सकते हैं आधुनिक ओलंपिक एक मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए ये रिस्टार्ट किए गए जब किसी कारणवश से उस ओलंपिक को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ओलंपिक्स फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में जब ओल्ड ओलंपिक के बारे में डिस्कस किया था इसके लिए सेकेंड जो टॉपिक है हमारा मॉडर्न ओलंपिक्स जब ओलंपिक्स को रीस्टार्ट किया गया था कब रीस्टार्ट किया गया था 1986 में इसको प्रॉपर स्टार्ट किया गया था रीस्टार्ट वापस इस ओलंपिक को स्टार्ट किया गया तब से कंटिन्यूस चीज को इसको स्टार्ट हुआ टू टाइम पर जब दो बार इस चीज को ओलंपिक को रोका गया था उस समय
उस टाइम पर जब वर्ल्ड वार जब हुए थे महायुद्ध इस समय, और इस टाइम पर जब हमारे 2020 में जब वर्ल्ड में जब हमारे अनाज बीमारी चल रही, उस चीज़ की वजह से कोरोना वायरस की वजह कोरोना 19 की वजह से इस चीज़ को ओलंपिक को इस साल जो मैच था उसको डिले किया गया है इस ओलंपिक को। मॉडर्न ओलंपिक्स आधुनिक ओलंपिक्स जो नी टेस्ट जो है उसको द क्रेडिट फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स गोज टू वेल डी पुरवते जो आधुनिक ओलंपिक के जो निर्माता है नॉर्मली द क्रेडिट उनको क्रेडिट दिया जाता है जो मॉडर्न ओलंपिक को रिस्टार्ट किया बैरन डी पुरवर्तन ने इसको रिस्टार्ट किया गया था। द पर्सन ऑफ हु सॉ द गेम एज एन ऑपर्चुनिटी ऑफ द वर्क इन द इंट्रोडक्शन पेयर ऑफ ही फॉर द मीटिंग ऑफ पेरिस उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा करके नॉर्मली जो मीटिंग्स रखी और इंटरनेशनल लेवल पे इसको वापस रिस्टार्ट करने के लिए तैयार किया। अगर इसके बाद वेरियस कंट्रीज इन द 1893 में इसको वापस एक मीटिंग रखी नॉर्मली थी जिसके लिए इन विच द कंट्रीज लाइक कंट्रीज ने उसको काफी पसंद किया जिसको लाइक किया जिसके लिए नॉर्मली उसमें कुछ कंट्रीज है स्वीडन ग्रीस इटली एंड स्पेन पॉप्स इन द फेवर्स इसका उन्होंने उसको लाइक किया और उस चीज का अच्छा उनको फेवर किया जिसके लिए ऑफ दिस इंडिविजुअल्स एंड उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड मीटिंग रखी गई नेक्स्ट सेकेंड मीटिंग वाज एट द 16 जून 1894 को तो दोबारा वापस सेकेंड मीटिंग रखी इन पेरिस पेरिस में 75 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेकेंड जो 5 जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसके अकॉर्डिंग चीज के लिए नॉर्मली उसके बाद नेक्स्ट जो 13 कंट्रीज पार्टिसिपेट एंड द दैट स्पोर्ट कंपटीशन शुड बी द हेड एवरीवेयर ओलंपिक गेम्स एंड द वेरी नेशनल शुड बी इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वेयर ऑर्गेनाइज इन 1896 जो फर्स्ट ओलंपिक उसके बाद 13 जो कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट सेकेंड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और नॉर्मल स्पोर्ट्स कंपटीशन को उन्होंने भी हेल्ड एवरीवेयर उनको कराने के लिए नॉर्मली कंटिन्यू फोर इयर्स कंटिन्यू हेल्ड जो नॉर्मल था कंटिन्यू उनको फोर इयर्स बाद तो इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया इसके लिए बाद नॉर्मली इसके बाद जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक रिस्टार्ट हुए वो स्टार्ट हुए 1896 में एसेंट के अंदर जो होस्ट था एसेंट में जो होस्ट जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने उस समय जो एसेंट के अंदर होस्ट थे 9 कंट्रीज कॉम्पिटेड उस टूर्नामेंट्स में 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन के अंदर उसके अंदर नॉर्मल एक अगर दिस स्टार्ट हुआ तो उस चीज के लिए प्रॉब्लम 10 सेरेमनी किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के पहले स्टार्टिंग ऑफ सेरेमनी किस टाइप से सेरेमनी उसका उद्घाटन जो वेलकम होता है उसके लिए सेरेमनी के लिए द ओलंपिक वॉज स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले किस चीज को किया जाता है ओलंपिक द ओलंपिक वॉज जिसके लिए जो नॉर्मली हिंदी में बोल सकते हैं ओलंपिक सफर किस चीज के लिए इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम टू द प्लेयर हैव द टू टेक एंड ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होस्ट कंट्री जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव कंट्री होती है होस्ट जो होते हैं जिसके जो है रिप्रेजेंटेटिव है वो कंट्रीज स्टैंड एट द फुट ऑफ द ट्रेबिट ऑफ द होल्डर होल्डिंग द फ्लैग एंड द पार्टिसिपेट टेक हर हिज
लेग एंड पेट ऑफ द कॉलोनी. उसके अंदर नॉर्मली जो पार्टिसिपेट जो फर्स्ट जो कंट्रीज होती है उसके लिए एक फ्लैग को दिया जाता है साइड से ओनर को फ्लैग, उसको जो जिसके पास पहले से फ्लैग होता है सामने फ्लैग को उसको प्रॉपर स्टैंड पर लिया जाता है. उस चीज़ के बाद जो नेक्स्ट उसके साथ जो कैप्टन होता है उस साइड में उसको फ्लैग के लिए ओनर को पकड़ के खड़ा रहता है और उस समय उसको ऑथ ली जाती है नॉर्मली चीज के लिए. उसके रूल्स ऑफ दिस सेपरेट रूल्स ऑफ पार्टिसिपेट रूल्स ऑफ कंपटीशन जो कंपटीशन के जो रूल्स है वो किस तरह दस सिटीजन ऑफ द पार्टिसिपेट कॉम्पिटिटरी और बाय लॉ. इसको वहाँ के जो नॉर्मली जो सिटीजन होते हैं वहाँ के नॉर्मली वहाँ के उसी कंट्री के पार्टिसिपेट जो व्यक्ति होने चाहिए. देयर आर नो एज लिमिट इन द मेंबर्स ऑफ बॉस एक्सेप्ट एनी पार्टिसिपेट. उस ओलंपिक में कोई एज लिमिट कोई चीज के लिए प्रोसीजर नहीं रखती किसी ने. फर्स्ट तो उसी कंट्री का पार्टिसिपेट होना चाहिए जिससे उसने उसकी नॉर्मली उसी जहाँ उस कंट्री का व्यक्ति है और उसके लिए कोई पहले तो उस टाइम पर ओल्ड वर्क जो ओलंपिक था उस पर एज लिमिट थी इसमें कोई एज लिमिट नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट अवार्ड नेक्स्ट ओल्ड ओलंपिक में अवार्ड नॉर्मली एक तरह से हमें जो ऑयल प्लांट्स होते थे उसको दिया जाता था तो उसको हम जो भी करते थे उस चीज के अकॉर्डिंग. मॉडर्न ओलंपिक में अवार्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन होल्डर्स जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले हैं आर अवार्ड द गोल्ड. फर्स्ट वाले को गोल्ड सोने वाला सेकेंड को सिल्वर्स जिसको हम नवंबर या सिल्वर्स बोल सकते हैं एंड थर्ड को ब्रॉन्ज मेडल्स दिए जाते हैं नॉर्मली उसको वर्ल्ड के अंदर. द नेक्स्ट फाइव पोजिशन होल्डर्स गिवन द सर्टिफिकेट्स जो कंट्री टू कंट्री जो उसके बाद नेक्स्ट जो फाइव पार्टिसिपेट होते हैं उनको पोजिशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर उनको नॉर्मली सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं उस चीज के लिए. ओलंपिक मोटो ओलंपिक क्या है नॉर्मली सिट्यूज द फर्स्ट ऑफ सिट्यूज देयर लिविंग वर्ड्स जो वर्ड्स दिए गए हैं इधर तीन जो वर्ड्स दिए गए हैं नॉर्मल इस चीज के लिए सिड्यूस एंडेस पोट्यूस तीन जो इसके मोटो है नॉर्मल तीन के सिड्यूस फास्टर मीन्स फास्टर अगेंस्ट बहुत तेज वाला तेज अधिक तेज वाला एड्यूस हायर अधिक हाइट वाला ऊंचा वाला नॉर्मली पोट्यूस स्टैंड अधिक बलवान स्टैंड अधिक बलवान चीजें हैं नॉर्मल चीज के लिए. ये थ्री वर्ड्स नॉर्मली जो ओलंपिक के मोटो दिए गए इसके बाद नेक्स्ट है ओलंपिक सिंबल्स द ओलंपिक सिंबल डिजाइन द बैनर डी पुरुते पी उनको नॉर्मल जो बैनर डी पुरुते थे उनको पीरे डी पुरुते के नाम से भी प्रॉपर जाना जाता है इस चीज के लिए जो उनको जिन्होंने ओलंपिक सिंबल्स को नॉर्मली आपने देखा होगा ओलंपिक जो फ्लैग होता है व्हाइट नॉर्मल जो फ्लैग जो है व्हाइट प्लेन व्हाइट का बना होता है उस चीज के अंदर उसमें जो फाइव रिंग्स राउंड है फाइव रिंग्स बनी होती चीज के लिए आपस में जॉइंट के अपनी चीज के लिए चीज के अंदर द
ओलंपिक्स सिंबल डिजाइन इन द वेरन डी कुबते इनको नॉर्मली पी ए डी कुबते इंसल्ट विद द 1940 इन द मॉडल ऑफ फाइव इंटरेक्ट रिंग्स जो फाइव रिंग्स है टूथ सेगमेंट ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द फ्रेंडशिप इनको फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन बिटवीन द पीपल ऑफ द ऑल फाइव कम्युनिटीज द सिंबल इज द एंट्री ऑफ द ओलंपिक फ्लैग अगेंस्ट ऑफ द वेट व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ सिंक जो नॉर्मली जो फाइव रिंग्स के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर जो फ्लैग्स जो रिंग्स है सेलिब्रेट ऑफ स्पर्ट ऑफ फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग कॉपरेशन मीन्स बिटवीन ऑफ पीपल ऑफ द फाइव यूनिट फाइव जो हमारे महाद्वीप है उसके अकॉर्डिंग चीज द सिंबल ऑफ जो नॉर्मली जो फ्लैग है मैंने आपको जो प्रिंट ऑफ द जो प्रिंट किया गया ओलंपिक फ्लैग अगेंस्ट ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर बैकग्राउंड किया गया है इसके लिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ओलंपिक्स जो हमारा ओलंपिक्स वैल्यू है मॉडर्न ओलंपिक के बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट है डू यू नाउ क्या आप जानते हैं इस चीज के लिए डू यू नाउ क्या आप जानते हैं ओलंपिक के बारे में नॉर्मल द फाइव रिंग्स रिप्रेजेंट ऑफ द फाइव कंटिनेंट्स अफ्रीका अमेरिका एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप दे आर द मिडल द शो इन द यूनिसेफ सेंट्रिटी ऑफ द ओलंपिक्स द वेट कलर्स ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द फ्लैग इन सिंबल ऑफ द बैस जो इन जो फाइव जो रिंग्स हैं उनके बाद उसमें फाइव जो कंट्री है अफ्रीका अमेरिका एशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं लोकल जो जो एप्स जो कंट्रीज हैं हमारे नॉर्मली चीज के लिए उनमें जो ओलंपिक्स जो जो ओलंपिक्स में जो नॉर्मली चीज को नॉर्मल जो उनके हैं ब्लू से हैं नॉर्मल हमारा मेन व्हाइट जो फ्लैग का जो व्हाइट कलर्स है वो नॉर्मली किस चीज के लिए एक पैस पैस के लिए एक शांति के लिए नॉर्मल उस चीज के लिए इस वजह से व्हाइट कलर्स को फ्लैग में यूज किया गया है इस चीज के लिए नॉर्मली चीज के लिए जोड़ा गया है नॉर्मल द ओलंपिक्स आइडियल्स ओलंपिक्स के आदर्श जो वर्ड्स हैं जो नॉर्मल आइडियल्स हैं नॉर्मली द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक्स इज नॉट द विन बट द टेक पार्ट इन द इम्पोर्टेंट थिंकिंग इन द लाइफ इज नॉट द मेक्स इन बट स्ट्रेंथ जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अंदर नॉर्मली चीज के लिए किया गया है आपका नॉर्मली में ओलंपिक में बल्कि विनर होना ही सब कुछ नहीं है चीजें ओनली पार्टिसिपेट करना ही बहुत बेटर है चीज के लिए बहुत चीज के लिए है बल्कि आपको विन इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है जो अपनी पार्टिसिपेट जिसमें ओलंपिक्स में आपने पार्टिसिपेट किया गया किया है इस चीज के अंदर बल्कि उसमें आपने बेटर से बेटर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है इस चीज के लिए ये वर्ष 1908 में लंदन में ऑर्गेनाइज ओलंपिक में लंदन ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज ओलंपिक थे उसमें वहां के जो ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज हुए थे तो वहां जो गेम्स है उसमें पेसिडोनिया जो फादर थे उनके द्वारा ये वर्ष
कहे गए थे, इसलिए उनको ओलंपिक्स मेडल्स कहा जाता है चीज के लिए नॉर्मली। नेक्स्ट ओलंपिक वैल्यूज, ओलंपिक वैल्यूज, ओलंपिक के नॉर्मली क्या रूल्स है इस चीज के लिए नॉर्मली। फर्स्ट फ्रेंडशिप, मित्रता, नॉर्मली हमारी जो ओलंपिक्स है फ्रेंडशिप, अदर जितने भी कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करेंगे उनमें नॉर्मल सब कंट्रीज में एक नॉर्मली फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की वजह से आज हमारी जो पूरी जो वर्ल्ड है वो एक यूनिटी के अकॉर्डिंग टू इस चीज के लिए, जितने भी वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले एक फेमिलियर इस चीज के लिए रहते हैं, चीज के लिए नॉर्मली चीज के लिए। सेकेंड नॉर्मली शांति के लिए, एक तरह से नॉर्मल उस चीज के लिए जो अपने प्रोत्साहित करते हैं व्यक्तिगत अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सबको छोड़ के एक नॉर्मल एक्सपीरियंस सिर्फ ओनली गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड है फाइट प्लेस, एक निष्पक्ष खेल, एक वहां पर जो ओलंपिक्स में वहां पर किसी के साथ कोई नो चीटिंग, नो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एक तरह से फेयर जो गेम है वो मैच किए जाते हैं, इसमें किसी का भी कोई उनको किसी का फेवर नहीं किया जाता है। और इक्वलिटी, फोर्थ इक्वलिटी, नॉर्मल जितने भी कंट्रीज और जो मैच जो प्लेयर्स हैं सबके साथ इक्वलिटी एक समानता का उनसे व्यवहार किया जाता है इस चीज के लिए नॉर्मल। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका शॉर्ट फॉर्म है आईओसी, आईओसी इसका जो हेड ऑफ ऑफिस है, जो हेड ऑफिस इट्स इज बेस्ट इन द लुसानो स्विट्जरलैंड के अंदर, इसका जो मेन हेड जो ब्रांच है इसकी बेस्ट इन द लुसानो स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी जो संस्था को ऑर्गेनाइज करती है। द आईओसी, आईओसी मीनिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। The IOC was founded by the Peter D. Kurvate, इसके जो फाउंडेशन थे Peter D. Kurvate, उन्होंने इसकी फाउंडेशन को रखा है इसके लिए। और 23rd June 1894 को with dimension of the case in the its first president of the its the first President of the organized the first summer Olympic in Athens, which in the 1886 in the first winter Olympic in Communists of France in the 1924 after against of 2 years. The Olympics में कुछ decision लिए हैं उसके बाद 1896 में जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुआ, ओलंपिक्स में बता देता हूँ आपको, ओलंपिक्स टू टाइप्स के होते हैं, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स में ऑल पार्टिसिपेंट जितने भी जो अदर गेम्स हैं वो, विंटर ओलंपिक्स में ओनली जो आइस पे ऑर्गेनाइज किए जाने वाले गेम्स, विंटर ओलंपिक्स में जो आइस जो गेम्स हैं आइस से रिलेटेड आइस जो में ऑर्गेनाइज करने वाले गेम्स उसके अकॉर्डिंग जैसे वर्ल्ड का जो फर्स्ट गेम है आइस हॉकी, आइस हॉकी को ओनली विंटर्स जो गेम्स हैं उसमें ओलंपिक्स में दिया जाता है चीज के लिए। उसको रिस्टार्ट करने के लिए उसको 1924 को तो जो उनमें जो डिफरेंस रखा 2 ईयर्स का डिफरेंस गैप रखा चीज के लिए प्रॉपर इस चीज के लिए। सिंस 9 in the members of the members has been the captured from the 155 जिसके जो members है 150 with the contributions of the
मैक्सिमम ऑफ द 17 इंडिविजुअल, 17 में मैक्सिमम मिनिमम इनके 17 मेंबर्स कंटिन्यू होने चाहिए सीट के लिए. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द IFS इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड उसका जो IFS का है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड 15 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द NOC नेशनल ओलंपिक कमेटी के नंबर. इस चीज के लिए जो 1999 के बाद कुछ चेंजेस किए गए उनमें कुल जो जो ओलंपिक जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं 115 की को बनाया गया, लेकिन मिनिमम अधिकतम जो व्यक्ति जो उनके जो पर्सनल जो होते हैं उनमें 17 और एक ग्रुप जो बनाया जाता है नॉर्मल 15 मेंबर्स का. इस चीज के लिए जो उसके नॉर्मली एथलेटिक्स के IFS अंतर्राष्ट्रीय मार्ग उसके मिनिमम 15 मेंबर्स होते हैं NOC एस राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जो 15 मेंबर्स विजिट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट उसके जो मेंबर्स होते हैं नॉर्मली चीज के लिए द प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट को इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ फॉर द टर्म ऑफ द 8 ईयर्स जो प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है उसके लिए नॉर्मली 8 ईयर्स के लिए कंटिन्यू री इलेक्शन होने के बाद इसी से आफ्टर ऑफ देन उसके बाद वापस चेंज कर दिया जाता है. द सेकंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ 4 ईयर्स दोबारा चुनाव ऑफिशियल्स के लिए री इलेक्शन के बाद इसके लिए नॉर्मली एक्सपीरियंस बोर्ड जो कार्यकारिणी जो बोर्ड होता है द प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड देन अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द NIOC इनके द्वारा सदस्यों को जो चेंज करते हैं उनको जो एक जो गुप्त जो सीक्रेट जो होता है उनको सीक्रेट वोटिंग की जाती है. हाँ थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इंडियन ओलंपिक एथिशियंस. इंडियन ओलंपिक एथिशियंस भारतीय ओलंपिक संघ इसको शॉर्ट फॉर्म में IOA इंडियन ओलंपिक एथिशियंस. इंडियन ओलंपिक एथिशियंस IOA आल्सो नाउ भारत ओलंपिक संघ इसको इस नाम से जाना गया है. भारत ओलंपिक संघ वाज एस्टेब्लिश इन 1927 बाय सर दुर्गेजी टाटा एंड डॉक्टर एजी नॉर्मन एंड प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी. लाइक द IOC द IOA इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी द इंडियन ओलंपिक एडिशन इज द नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स हेडक्वार्टर्स आर द लोकेशन एट न्यू दिल्ली. इसकी जो जो मैन जो है जो लाइक द IOC और की तरह ही ये IOA है जो नॉन प्रॉफिट के अकॉर्डिंग संस्था जो इसका वर्कआउट करती है. ये नॉन गवर्नमेंट से कोई रजिस्टर वो नहीं है. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इज द इसका जो मेन हेडक्वार्टर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वो न्यू दिल्ली के अंदर है. इसकी जो फर्स्ट जो इसकी जो स्टार्टिंग हुई फ्रॉम द 30 मार्च इन द 30 मार्च प्रॉपर इसका स्टार्टिंग और जो पर्सनल ऑफ द जनरल प्रेसिडेंट ऑफ द मेंबर हेडक्वार्टर द न्यू दिल्ली इसका जो है यू आर द IOC जनरल फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च को. इसको जो 1 अप्रैल से 30 मार्च को इट विद द ऑपरेट रोल ऑफ द जनरल एडिशन बाय द मेंबर कमेटी ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑल स्पोर्ट्स ऑफ द इंक्लूड इन द
चेयरमैन ऑफ द ओलंपिक गेम्स और द कमीशन कमीशन वेल इन द गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स इंडियन सिटीजन एंड हु आर द मेंबर ऑफ द आईओसी ऑन द मेल्स एंड द वन फीमेल्स एथलेटिक्स टू द पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स गेम्स. इसमें जो नॉर्मली है आईओसी की तरह ही नॉर्मली है जो आईओए की जो जो फेडरेशन है वो नॉर्मली नॉन प्रॉफिट वाली जो संस्था है ये कोई अकॉर्डिंग ऑफ द ये गवर्नमेंट से इसका कोई इतना उसमें प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट से रिलेटेड काम प्रॉब्लम रहती है. इसके लिए इसकी जो मेन हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है न्यू दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग जो थी 1 अप्रैल से 30 मार्च से रहता है. इस चीज के लिए इसका मेन जो कारण है ऑर्गेनाइजेशन जो आईओसी की है नॉर्मली ये अपने कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करना है. इस चीज के लिए प्रॉपर इस चीज के लिए इसमें जो संस्था में जो रखे गए उनमें जो पार्टिसिपेंट जो इंडियंस जो इंडियंस से रिलेटेड जो है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक एक वन मेंस वन वुमेन्स जो एथलेटिक्स जो ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट किया है उनको इन चीजों के लिए गाइड किया जाता है. जिसके लिए इस चीज के लिए इलेक्ट जो कमेटी ऑर्गेनाइज की जाती है कमेटी बनाई जाती है. इसके लिए इलेक्शन ऑफ ऑर्डर हेल्ड ऑफ वन एवरी 4 ईयर्स इसके जो इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो मिनिमम एवरी फ्रॉम 4 ईयर्स कंटिन्यू 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग इसके इलेक्शन किए जाते हैं. जिसके लिए कमेटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर इस चीज के लिए 1 प्रेसिडेंट सेकेंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एड वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ जनरल 5 ट्रेजरर्स 6 जॉइंट सेक्रेटरीज 10 एग्जीक्यूटिव ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड आउट ऑफ द हेल्थ एथलेटिक्स कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग चीज के लिए इस तरह से इनकी कमेटी जो मेंबर्स 4 ईयर्स इनकी जो इलेक्शन किया जाता है उस तरह से कमेटी ऑर्गेनाइज की जाती है. ओलंपिक जो कमेटी के जो मेनी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईओसी के उसके जो ऑब्जेक्टिव है उस ऐसे जो नॉर्मली चीज के लिए हमारे अच्छे जो स्कूल्स स्टेट नेशनल लेवल कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन चैंपियनशिप इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करना इनका जो ऑब्जेक्टिव है इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर चीज के लिए बेस्ट जो गेम्स के रूल्स अकॉर्डिंग या न्यू जो रिलेटिव जो गेम्स के रूल्स अकॉर्डिंग है किन गेम्स को पार्टिसिपेट जो ऑर्गेनाइज करना है उसके रूल्स रेगुलेशन एम्पायरिंग इसको वेयर डिसीजन इस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. उस चीज के लिए इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो इस चीज के लिए है. इनमें नॉर्मली वुमेन्स पार्टिसिपेट जो वुमेन्स महिलाओं का जो पार्टिसिपेट रहता है वो रहता है बेस्ट जो जो कंट्रीज जो पीपल्स उनको अच्छे गेम्स को उनको करवाना चीज के लिए जो गेम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है किसी जो प्लेयर्स को उन प्रॉब्लम्स को फिनिश करना प्रॉपर इस चीज के लिए इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप है उनको ऑर्गेनाइज करना जो वर्ल्ड लेवल पर जो एंट्री डॉज जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे बहुत से इस चीज के लिए मादक पदार्थों का यूज करते हैं उनको रोकना आईओसी के अकॉर्डिंग वाडा की जो प्रॉब्लम्स हैं जो चीज के लिए रहती है चीज के लिए एंटी डोपिंग जो प्रॉब्लम्स है उनको कंट्रोल करना है. कुछ खिलाड़ी इस चीज के लिए एंटी डोपिंग का सहारा लेते हैं और अपनी बेटर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मेडल देने के लिए उनको रोकना है चीज के लिए उनको फाउंडेशन करना है चीज के लिए नॉर्मली वेल एजुकेशन अच्छा जो नॉर्मल है चीज के लिए बेटर प्ले ग्राउंड प्लेयर बेटर इक्विपमेंट्स ये सब प्रोवाइड उनको अवेलेबल करवाना है चीज के लिए. खेलों में जो स्पोर्ट्स गेम्स में नॉर्मली हम किसी को देखते हैं कोई जाति धर्म कानूनी जो राजनीति किसी से किसी के जो किसी का जो भेदभाव किसी ऐसा कुछ
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें, उन सबको रोकने के लिए ये संस्था प्रॉपर अपना वर्कआउट इस चीज के लिए करती है। इस चीज के साथ में पूरा जो ओलंपिक फ्लूस है वो प्रॉपर इसलिए ओके कैप्टन प्लीज द ओलंपिक वैल्यूज ऑफ एजुकेशन के।